लगभग 90% हार चुकी थी भारतीय टीम, लेकिन जसप्रीत बुमराह की एक चमत्कारी गेंद ने भारतीय टीम को मुकाबले में जीत दिला दी। तो वही हार के बाद बौखलाई बुरी तरह से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बुमराह और रोहित पर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी बुमराह की गेंदबाजी और टीम इंडिया की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला जो भारतीय टीम के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा सलामी। बल्लेबाज विराट कोहली दूसरे ही ओवर में शानदार चौका लगाने के बाद नसीम शाह की गेंद पर पॉइंट की दिशा में उस्मान को जब अपना कैच दे बैठे तो करोड़ों भारतीयों में सन्नाटा पसर गया। भारत के लिए यह सबसे बड़ा विकेट था, लेकिन रोहित शर्मा से काफी उम्मीद थी। शानदार छक्का वह पहले ही ओवर में भी लगा चुके थे, लेकिन शाहीन अफरीदी की गेंद पर छक्के का प्रयास तो किया लेकिन लेग साइड की दिशा में कैच आउट हो गए और सिर्फ 13 रन ही बना सके। इसके बाद ऋषभ पंत ने 42 रन की पारी जरूर खली और टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़े परी नहीं खेलने का और भारतीय टीम 119 रन पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद लक्ष्य का पीछा करना उतरी पाकिस्तान की शुरुआत खतरनाक दिखाई दे रही थी क्योंकि बाबर आजम दो चौके लगा चुके थे, लेकिन बुमराह ने अगली गेंद पर ही 13 रन के स्कोर पर स्लिप में कैच आउट कर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई और उसके बाद रिजवान और उस्मान ने टीम को 50 के पार पहुंचा दिया। उसके बाद अक्षर पटेल ने उस्मान को 13 रन के स्कोर पर LBW आउट कर टीम को दूसरी सफलता दिलाई, लेकिन रिजवान ने पूरी जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान को जीत दिलाने की कसम खाई थी। फखर के साथ उन्होंने स्कोर को आगे बढ़ाया। मुकाबला अंतिम 6 ओवर में 40 रन पर जा पहुंचा था और उसके बाद जब बुमराह गेंदबाजी पर आए तो उन्होंने पहले ही गेंद पर रिजवान को जो कि सेट थे 31 रन पर बोल्ड मार कर भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा। इसके बाद तो दबाव चढ़ गया। अक्षर पटेल ने एक रन का ओवर निकला तो हार्दिक पांड्या ने अगले ओवर में शादाब को अपना शिकार बनाया। अंतिम 3 ओवर में लगभग 30 रन जीत के लिए चाहिए थे और अंत में बुमराह की चमत्कारी गेंदबाजी ने भारतीय टीम को जीत दिला दी एक छोटे से स्कोर को बचाने में भी। तो वहीं हर के बाद बाबर आजम का गुस्सा जमकर फूटा है। उन्होंने कहा, हमारी टीम यह मुकाबला जीता हुआ हारी है, इसका मुझे जिंदगी भर दुख रहेगा। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह हमारी टीम की हार के कारण रहे हैं। उन्होंने कहा, जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी थी, जब रिजवान आउट हुए वह मैच का टर्निंग पॉइंट रहा, वहां से मुकाबला पूरी तरह से पलट गया और कुछ गलती हमारी भी रही। रोहित ने चमत्कारी कप्तानी का नजारा पेश किया कि गेंदबाज को कहां पर गेंदबाजी करनी है यह वह बखूबी जानते थे और डिसीजन रिव्यू सिस्टम भी उन्होंने धोनी की तरह दिया। साथ ही हमारी गलती यह रही कि हमने शुरुआत से धीमी गति से बल्लेबाजी करी, अगर हम थोड़ा तेज गति से बल्लेबाजी करते तो मुकाबले को जीता जा सकता था। इस तरह से बाबर ने बुमराह और रोहित को हार का जिम्मेदार ठहराया। वैसे आप सभी टीम इंडिया की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताएं।